Assalamualaikum students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप्स, कि ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, इनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है और स्पेशली ब्लड ग्रुप्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन या ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था। ब्लड ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लेन स्टीनर, उसने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था 1901 में। ब्लड ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो लेन स्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था तो उसने कैसे आइडेंटिफाई किया था। लेन स्टीनर ने रेड ब्लड सेल की सरफेस पर सेल्फ एंटीजेंस देखे थे, ठीक है। एक हमारे पास ए एंटीजन और दूसरा हमारे पास बी एंटीजन, और इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर सीरम के अंदर लेन स्टीनर ने एंटीबॉडीज देखी थी, मीन ए एंटीबॉडीज एंड बी एंटीबॉडीज। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंटीजन्स हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ एंटीजेंस होते हैं और कुछ हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। सेल्फ एंटीजेंस वो एंटीजेंस होते हैं, मीन वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन वो हमारी बॉडी को कोई हार्म या कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन जब हम फॉरेन एंटीजन की बात करते हैं तो ये वो एंटीजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर होकर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। यहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो आपके सेल्फ एंटीजेंस की यूज हो रही है, और यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम में। जब आप एंटीजेंस की बात करते हैं तो वो कहां पर लोकेटेड होते हैं, वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर लोकेटेड होते हैं, और जब आप एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो वो प्लाज्मा या सीरम के अंदर लोकेटेड होती हैं। एंटीजन जो हम ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम में देखेंगे और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के केस में देखेंगे वो आपके ए एंटीजन होंगे और बी एंटीजन होंगे, और आरएच के केस में जो हम देखेंगे वो आपका आरएच एंटीजन होगा, और स्पेसिफिकली जो हम लोग नोट करते हैं वो आरएच डी एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुपिंग के केस में एंटीजन और एंटीबॉडीज को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। एंटीजन को कहा जाता है ए ग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडीज को कहा जाता है ए ग्लूटिनेंस, ए ग्लूटिनोजेंस एंड ए ग्लूटिनेंस। यहां पर हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग बोलते हैं लेन स्टीनर लॉ। लेन स्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चीजें हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एंटीजन रेड ब्लड सेल की सर्फिस पर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल ए एंटीजन, तो उसी से रिलेटेड ए एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बी एंटीजन मौजूद है तो प्लाज्मा के अंदर ए एंटीबॉडी होगी, अगर आपका ए एंटीजन मौजूद है तो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास बी एंटीबॉडी होगी। एंटी का मतलब होता ही अगेंस्ट है। तो लेन स्टीनर ने कहा अगर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है पर्टिकुलर तो उससे रिलेटेड एंटीजन नहीं होगा, अगर पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर मौजूद नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड द लेन स्टीनर लॉ, ठीक है। ये लेन स्टीनर लॉ हमारे पास कहलाता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ब्लड ग्रुप सिस्टम के दो ग्रुप्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एक हमारे पास आ जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की जाए तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के फर्दर फोर टाइप्स हैं, ए बी ए बी एंड ओ। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और जब आप बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की और हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की, तो ये ब्लड ग्रुपिंग क्यों जरूरी होती है। हर बंदे को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि इन केस कभी उसको उसकी बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है या उससे किसी को ब्लड देना होता है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्यों क्या है और मैंने जिस बंदे को देना है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपके ब्लड ग्रुपिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, उसमें हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम वही दो चीजें देखते हैं। एक तरफ हम लोग अगर सपोज एक टेबल भी ड्रॉ करें और उसमें आप लिख लें फोर टाइप्स, एक तरफ लिख लें आप एंटीजन जो कि प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, और एक तरफ आप लिख लें एंटीबॉडीज। जब आप ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे ना
तो ए के केस में हमारे पास ए एंटीजन होते हैं और बी एंटीबॉडी होती है, बी के केस में हमारे पास बी एंटीजन होते हैं और ए एंटीबॉडी होती है, ए बी के केस में हमारे पास ए और बी दोनों एंटीजेंस होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, लेकिन जो एंटीबॉडीज होती है नो एंटीबॉडीज इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। और जब आप बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, ए के पास ए एंटीजन होगा लेकिन ए एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटी मीन अगेंस्ट, बी जो है उसके पास बी एंटीजन होगा लेकिन हमारे पास ए एंटीबॉडी होगी, ए बी के पास दोनों एंटीजन होंगे एंटीबॉडीज नहीं होंगी, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। अब जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें एक हमारे पास आ जाता है डोनर जो ब्लड दे रहा होता है और एक हमारे पास आ जाता है रेसिपिएंट जो कि ब्लड ले रहा होता है। जब आप ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूं कि व्हाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर, तो सिंपल, अगर आप इसको ओ ब्लड ग्रुप को देखें तो ओ ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजेंस, रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं, इसका मतलब है डोनेट कर सकता है ब्लड, ठीक है। अब अगर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है और ये किसी दूसरे बंदे को ब्लड ग्रुप दे रहा है, अपना ब्लड दे रहा है, ओ ब्लड दे रहा है, तो एंटीजन नहीं है तो दूसरे बंदे की बॉडी में एंटीजन ही जाकर रिएक्शन कॉज करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स डिवेलप करते हैं, तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स डिवेलप नहीं होगा। सो ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। फिर जब आप बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो ब्लड ले सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप से, क्यों? इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ही नहीं है, एंटीबॉडीज वो एजेंट्स होते हैं जो किसी एंटीजन की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, सो इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, दैट्स वाई जो ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये बात होगी हमारे पास के ब्लड ग्रुप्स की कि ए के पास क्या है, बी के पास क्या है, ए बी के पास क्या है। जब आप लेबोरेटरी के अंदर आप ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपको कोई कहे आप अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करें, तो लैब के अंदर आपको ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले तो सैंपल होना चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करना है। दूसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो हमारे पास है एंटी सीरास। एंटी सीरास में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं। हम लोग यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर जब हमने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है, हम लोग तीन एंटीसीराज यूज करते हैं, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, ठीक है, एंड एंटीसीरा डी। एंटीसीरा ए के पास होती है ए एंटीबॉडी, एंटीसीरा बी के पास होती है बी एंटीबॉडी, और एंटीसीरा डी के पास होती है डी एंटीबॉडी। अब हमने ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, दो चीजें हमारे पास हो गई, एक ब्लड सैंपल सब्जेक्ट का, दूसरा हमारे पास एंटीसीरास, तीन, तीसरा हमारे पास होनी चाहिए ग्लास स्लाइड्स, चौथा हमारे पास होनी चाहिए टूथपिक्स। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, ग्लास स्लाइड्स ले लेनी है तीन, और परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर मार्क करना है ए बी एंड डी। नाउ हमने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसका ब्लड कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लैंसेट, हमने उसकी फिंगर टिप को प्रिक करना है और तीन ड्रॉप्स ब्लड के आपकी ग्लास स्लाइड पर हमने प्लेस कर देने। ग्लास स्लाइड पर ब्लड प्लेस करने के बाद हमने उसमें ऐड कर देने 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ एंटीसीराज। जो ए स्लाइड होगी उसमें एंटीसीरा ए डलेगा, बी में बी और डी में डी। अब हमने टूथपिक्स लेनी है, तीन सेपरेट टूथपिक्स, और उसको हमने मिक्स करना है और रिजल्ट हमारे पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूटिनेशन, कि वहां पर क्लंपिंग हो जाएंगी, गुटलियां सी बन जाएंगी, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं ए ग्लूटिनेशन, वो आपको नेक टाई से नजर आएगी। अब तीनों स्लाइड्स को आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है अनटच्ड, और उसके बाद आपने रिजल्ट चेक करने। अब रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं क्लंपिंग आपकी ए स्लाइड में हुई है और डी स्लाइड में भी हुई है, तो इट मीन ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव। क्यों वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है? क्योंकि ए के पास ए एंटीजन होता है
और ए स्लाइड में आपने एंटी सीरा ए डाला हुआ है और उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज भी ए हैं। ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी जहां पर भी होगी तो रिएक्शन होगा। इसीलिए हम कहते हैं ना बॉडी में रिएक्शन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपका ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होती है, ये बॉडी की बात हो रही। लेकिन जब हमने सेम एंटीजन और एंटीसीरा लिए और उनका ए ग्लूटिनेशन के फॉर्म में रिएक्शन हुआ तो आपको क्लंपिंग के फॉर्म में नजर आए। और मैंने कहा पॉजिटिव ब्लड क्यों है, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना पॉजिटिव की तो पॉजिटिव के केस में फिर आपका आरएचडी एंटीजन आ जाता है। वो पर्सन जिनके पास आरएचडी एंटीजन होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिनके पास आरएचडी एंटीजन नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है। तो यहां पर ये जो पर्सन था इसके पास आरएचडी एंटीजन था और हमने जो एंटीसीरा डी डाला उसमें जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी एंटीबॉडीज है, वो भी आरएचडी एंटीबॉडीज हैं। तो उनका आपस में रिएक्शन हुआ और इन द फॉर्म ऑफ क्लंपिंग आपको ये चीज नजर आ गई, ठीक है। तो अगर आपकी क्लंपिंग बी में होगी तो और किसी में भी नहीं होगी तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव, रीजन यही है जो मैंने आपको अभी दे दी। अब अगर आपकी क्लंपिंग किसी भी स्लाइड में नहीं हो रही, ठीक है, ना ए में हो रही है, ना बी में हो रही है, ना डी में हो रही है, तो इट मीन आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आपकी क्लंपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ए और बी में हो रही है और डी में भी हो रही है तो आपके इन्हें ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो है ना क्लंपिंग्स को नेक्ट आई से विजिबल करके आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लड ग्रुप्स, ओके। अब जो दूसरी बात हम लोग करते हैं वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। आरएच का मैंने आपको अभी भी बताया स्टूडेंट कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें आरएच डी एंटीजन को देखा जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल। और ये आपके ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ आरएच डी एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो पर्सन जिनके पास आरएच डी एंटीजन होता है उसे कहा जाता है कि उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जिनके पास आरएच डी एंटीजन नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। और एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूं कि अगर एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मीन उसके पास आरएच डी एंटीजन है, और वो आरएच नेगेटिव ब्लड ले रहा है जिसके पास आरएच डी एंटीजन नहीं है, तो उसकी बॉडी में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे क्योंकि आरएच डी एंटीजन उसके पास है और जो दूसरा बंदा जो उसको ब्लड दे रहा है उसके पास तो आरएच नेगेटिव ब्लड है ना, उसके पास आरएच डी एंटीजन नहीं है तो उसकी बॉडी में वो कोई भी रिएक्शन कॉज नहीं कर सकता। इसी तरह एक ऐसा पर्सन है जो आरएच नेगेटिव है, मीन उसके पास आरएच डी एंटीजन नहीं है, आप उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड देंगे तो उसकी बॉडी में रिएक्शंस डेवलप होंगे और सिवियर रिएक्शंस होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून रिस्पॉन्स। दो टर्मिनोलॉजीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, एक मैचिंग होती है और एक क्रॉस मैचिंग होती है। मैचिंग क्या है, आप लेबोरेटरी में गए या आपने खुद अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड मैचिंग। मैचिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि रेसिपिएंट का रेड ब्लड सेल बिकॉज इट हैज एंटीजेंस और एंटीसीराज होने चाहिए तो आपके पास इजीली रिजल्ट आ जाएगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड मैचिंग। और जब आप बात करते हैं क्रॉस मैचिंग की, क्रॉस मैचिंग का मतलब होता है कि आप क्रॉस मैचिंग करें बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड ताकि रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जाकर कोई रिएक्शन ना हो, मिसमैच ब्लड ना हो। मीन अगर एक बंदा ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव ब्लड ले, एक बंदा बी पॉजिटिव है आप उसको बी पॉजिटिव ब्लड दें, आप ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, वो क्रॉस मैचिंग हो जाए। क्रॉस मैचिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड क्या मैच हो रहा है। तो क्रॉस मैचिंग के लिए रेसिपिएंट का सीरम चाहिए होता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और डोनर का रेड ब्लड सेल चाहिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं और एंटीजेंस ही बॉडी में जाकर फिर क्या करते हैं, रिएक्शन कॉज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड, जैसे हमने कहा क्रॉस मैचिंग, अगर हमारा ब्लड जो है वो क्रॉस मैच नहीं होता, मीन अगर हम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस डिस्कस करें। अस्सलाम।